विसर्जन। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। तुम यहाँ पर बम बनाते हो। हाँ, मैं यहाँ बम बनाता हूँ। आओ मैं तुम्हें अपने बम दिखाता हूँ। चलो। तुम्हारे वायसराय आए थे, उस समय भी मैंने वर्दी में पुलिस को अंदर आने की आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि गुरुकुल के इस पवित्र माहौल में पुलिस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब तुम बम ढूंढते ढूंढते यहां आ ही गए हो, तो बम बनाने का फॉर्मूला तो लेकर जा। ये लो। इसे ध्यान से पढ़ना, तुम भी अच्छे बम बनोगे। ये है उसके बम बनाने का फॉर्मूला का बुक। यह किसी दयानंद नाम के राइटर का बुक है। बम बनाने के फॉर्मूला का बुक, बहुत चालाक है वो, बहुत होशियार है वो। पता करो वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यस सर। सर, स्वामी शाहजहान का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर डिस्ट्रिक्ट के टालवन विलेज में हुआ था। इसके फादर का नाम नानक चंद क्षत्रिय था। इसके बचपन का नाम मुंशी राम था। शुरू में ये किसी भी आम लड़के की तरह ही था, लेकिन सन 1879 में इसकी मुलाकात बरेली के टाउन हॉल में दयानंद सरस्वती से हुई और धीरे धीरे इसके सोचने का दिशा बदल गया। और फिर सत्यार्थ प्रकाश से इंस्पायर होकर ये आर्य समाज का मेंबर हो गया। और सर, इसमें धर्म प्रचार की ऐसी धुन सवार हुई कि इसने बड़ी तेजी से पूरे पंजाब में आर्य धर्म का प्रचार किया। और पेशे से वकील होने के बावजूद एजुकेशन और सोशल सर्विस की फील्ड में लगातार काम करते हुए 2 मार्च 1902 को कांगड़ी विलेज में इसने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके गुरुकुल में वायसराय चेम्स फोर्ट तक मेहमान की हैसियत से जा चुके हैं और उन्होंने 1,00,000 सालाना का डोनेशन ऑफर किया था। Then, इसने रिफ्यूज कर दिया। What? How dare he? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सर, ये बहुत ही शातिर आदमी है। रही बात इसकी डेयरिंग की, तो ये किसी से नहीं डरता। सर, इसने गुरुकुल भी ऐसी जगह पर बनाया है जहां पे जंगली जानवर, चीते और हाथी घूमते हैं। एक दफा रात को 9 बजे इसके ऑफिस में शेर घुस आया। Then? सर, इतना फियरलेस आदमी है कि शेर की आंखों में आंखें घुसाकर उसे देखता रहा, फिर डस्टबिन उठाकर उसके सिर पे दे मारा। डस्टबिन से उड़ते पेपर के टुकड़ों को देखकर शेर कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े क्या हैं, और वो डरकर भाग गया। यस सर, ये आदमी इतना शातिर है कि शेर की साइकोलॉजी के साथ भी खेलता है। मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत को पराधीन बनाने के लिए है। हमारी संस्कृति, राष्ट्र और धर्म को नष्ट करने के लिए है। इसीलिए अपनी संस्कृति और राष्ट्र को बचाने के लिए हमने इस गुरुकुल की स्थापना की है। इस गुरुकुल का थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में
गुरुकुल में बालकों की शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। ये गुरुकुल उसी का अनुकरण है। आओ। स्वामी जी, मैंने सुना है आपने गुरुकुल के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए ये बोलिए था कि जब तक 30,000 रुपीस आप कलेक्ट नहीं कर लेंगे अपने घर में कदम नहीं रखेंगे, और ओनली 6 मंथ्स में आपने 40,000 रुपीस कलेक्ट कर लिया था। आपने ठीक सुना है स्वामी जी, आपके एफर्ट से यह गुरुकुल इतना पॉपुलर हो चुका है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स मैथन और गवर्नर जनरल वाइसरॉय चेम्सफोर्ड मेहमान की हैसियत से यहाँ आ चुके हैं, और गवर्नर जनरल ने तो आपके गुरुकुल के लिए 1 लाख ईयरली डोनेशन देने का भी ऑफर दिया था, पर आपने गवर्नमेंट का डोनेशन देने से रिफ्यूज कर दिया था। व्हाई? मैं डोनेशन के लालच में गुरुकुल नहीं चला रहा हूं। मेरा लालच तो मात्र इतना है कि हमारे इस गुरुकुल से बच्चे निकलकर इस देश का भविष्य बने और अपनी मातृभूमि को गुलामी के अभिशाप से मुक्त कराए। और वैसे भी यदि मैं सरकार से चंदा लेता तो मुझे सरकार की सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना पड़ता, जबकि मैं वैदिक सोच के हिसाब से इस गुरुकुल को चलाना चाहता हूं। आपने गवर्नर जनरल को मना कर दिया, आपको डर नहीं लगा कि वो नाराज हो सकते हैं? भय उन्हें लगता है जो स्वयं के हित में सोचते हैं। हमारे गुरुकुल का बच्चा बच्चा भी केवल राष्ट्रहित में सोचता है, इसलिए यहां भय की भावना भी नहीं है। उस बच्चे को देख रही हो? उसका नाम महेंद्र है। एक बार जंगल में शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया था। उसने अपनी हॉकी स्टिक से उस शेर को वहीं मार डाला था। क्या करूं मैं स्वामी का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्प अस। हमारा पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम को लड़ा और राज कर, लेकिन ये एक ऐसा साधु है जो जामा मस्जिद जाता है, वहां भाषण देता और भाषण देकर चला जाता है। क्या करूं मैं स्वामी का, क्या करूं? Hey Janish, तुम तो मुझको कुछ गाइड करो कि मुझको इस स्वामी के वास्ते क्या करना चाहिए, कुछ तो बोलो। वाटर सर, आप टेंशन में, वाटर गुड सर। थैंक यू। स्वामी जी, जी सर, हॉट चाय। हमने तो ठीक हो नहीं मांगा सर, मुझको तो मांगना है ना सर। तुमको क्या मांगता है? छुट्टी, हॉलीडे सर। तुमको छुट्टी मांगता है? हम इधर टेंशन में है और तुमको छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगा, गेट आउट, जगह पर काम करो। ओके सर। छुट्टी चाहिए इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सर वेरी अर्जेंट सर, आई एम गोइंग फ्रॉम गांव सर, छुट्टी चाहिए सर। अरे फूल, हम तुमको बोला ना कि छुट्टी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ जाकर अपना काम करो, इडियट। ओके सर।
सर मुझको तो जाना है सर, वेरी अर्जेंट सर, अननेसेसरी छुट्टी मांगता है लेकिन छुट्टी चाहिए सर प्लीज। व्हाट? हम तुमको दो बार बोला कि तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद तुम फिर वापस आए। एक बात बताओ, क्या तुमको हमारे जैसे अंग्रेज ऑफिसर से डर नहीं लगता? क्या तुम आर्य समाजी है? नहीं सर, मैं आर्य समाजी नहीं, मैं मुस्लिम हूँ सर। तो फिर तुम मुस्लिम आर्य समाजी होगा। मुस्लिम आर्य समाजी, ये क्या होता है? अरे आज पता चला कि अंग्रेज आर्य समाजियों से कितना डरते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं आर्य समाजी बन जाऊं। ना 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 ना, तुम आर्य समाजी मत बना। तुमको अपनी बीवी बच्चों से मिलना है ना, जाना है ना उनके पास, हम तुम्हारा छुट्टी सैंक्शन करता है। और घर जाने के वास्ते हम तुमको कुछ ये पैसा दे रहा है, किसी को मत बोलना कि हम तुमको कुछ दिया। आराम से जाओ, आराम से वापिस आओ, खुश रहो, बट हमसे एक प्रॉमिस करो कि तुम आर्य समाजी नहीं बनेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। गो गो, हैप्पी जर्नी। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक ये आर्य समाजी है जो मैं परेशान कर रहा है, और एक ये है जो उसकी गिनती को बढ़ा रहा है। चलो, हमने एक आर्य समाजी की गिनती को कम तो किया। पंजाब स्टेट की हर प्रॉब्लम दिल्ली से चलकर आती है, और इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे स्वामी सदानंद का हाथ है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो कुछ भी होता है उसका मास्टरमाइंड स्वामी सदानंद होता है। अरेस्ट करो। ये तो स्वामी सदानंद जी हैं। स्वामी सदानंद जी की जय। आखिर अंग्रेजों ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। सब ईश्वर की कृपा है। बेचारे अंग्रेज कितने परेशान थे आपको अरेस्ट करने के लिए। दिल्ली के सत्याग्रह के दिनों आपको अरेस्ट करना चाहते थे, अमृतसर अधिवेशन के समय भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, गुरुकुल के दिनों जब आपने फंड इकट्ठा करना चाहा तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, दलित उद्धार सभा की स्थापना पर आपको अरेस्ट करना चाहते थे, प्रिंस के दिल्ली आने पर आपने बहिष्कार किया तब भी आपको अरेस्ट करना चाहते थे, पर अब जाकर गुरु के बाग के सत्याग्रह में बेचारों को आपको अरेस्ट करने की हिम्मत पड़ी है। यस सर, स्वामी जी पेपर और पेन मांग रहे हैं। किस लिए? कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं। व्हाट? किस तरह का आदमी है ये? जेल में रहकर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है?
मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला आदमी है जो जेल में बैठकर ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहता है। सर, दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश का ये पहला आदमी जरूर है। ओके, गिव इट टू हिम। ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं राजनीतिक अवसरवादिता से लड़ सकूं, तुम्हारी सृष्टि में पल रहे मानव मात्र की सेवा कर सकूं, अपने जीवन की हर सांस उनकी उत्थान में अर्पित करूं, चाहे जितना भी षड्यंत्र हो, जितना भी विरोध हो, मैं सत्य के मार्ग से कभी न डिगूं और सदैव मानवता की सेवा करता रहूं। मुझे शक्ति दो ईश्वर, मुझे शक्ति दो।